कमेंट में गाली लिखना, लेकिन उससे पहले वीडियो को पूरा देख लो, तब समझ में आएगा। गाइज आज आप लोगों को ऐसा करेक्टर कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिसे लेकर आप लोग खेलते हैं तो आपको सीएस में कोई नहीं हरा पाएगा। सबसे पहला जो करेक्टर है वो एंटोनियो है। आप लोगों ने इसका नाम तो सुना होगा लेकिन आप लोग यूज नहीं करते हो। मैं आपको बता दूं कि मैं हर गेम में एंटोनियो का यूज करता हूं और बुइया भी निकालता हूं। अगर आप लोग एंटोनियो करेक्टर लेकर खेलते हैं तो आपका 230 एचपी हो जाता है। अगर कोई बंदा तुमको मारेगा तो आपको बहुत कम डैमेज होता है और फिर तुरंत आपका एचपी भर जाएगा। और जो दूसरा करेक्टर है आप लोगों को वुल्फरा लेना है। वुल्फरा का क्या पावर है वो बता देता हूं मैं आपको। तो वुल्फरा अगर लेके आप किसी एक बंदे का भी किल कर लेते हैं तो आपके में एक दर्शक जुड़ जाता है और उससे क्या होता है आप लोगों का जो हेडशॉट से डैमेज आपको पड़ता है ना बहुत कम, यानी कि आप लोग एक गोली में मरेंगे ही नहीं। तो गाइज आप लोगों को दूसरे नंबर पे यही वुल्फरा लेके खेलना है गाइज। और जो तीसरा करेक्टर है वो है सोनिया करेक्टर। आप लोगों को इसको लेकर ही खेलना है, हर सीएस रैंक में आपको इसको लेकर ही खेलना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको अगर कोई एनिमी मारता है, अगर नॉक भी करता है तो आपको 3 सेकंड का टाइम मिल जाता है और आप लोग उसका किल आसानी से कर सकते हो। तो गाइज लेकर ही खेलना है, ध्यान रखना आपको। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि एक्टिव करेक्टर स्किल में से आपको क्या लेना चाहिए। एक्टिव करेक्टर स्किल में से आप लोगों को तात्सुया लेना है और इसका जो पावर है बहुत अच्छा पावर है। आप लोग इसका पावर जानते ही हैं कैसे यूज करना है, तो मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि आप लोगों को कैसे यूज करना है। जब भी एनिमी के साथ आपकी फाइट हो रही है तो आप लोगों को क्या है इसका यूज करना है। आप लोग भूल जाते हो, दूसरे डायरेक्शन में जाके तब एनिमी को मारना होता है आपको। गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लीजिए यार। और हाँ अभी तक आपने लाइक नहीं किया है यार, लाइक भी कर ही दीजिए।